स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईलर्न अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फोर्थ का जी वाला पार्ट। सो स्टूडेंट, जी वाला पार्ट ये है, जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 एन माइनस 1, एन बिलोंग्स टू एन, मतलब इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, एंड 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि आपको पहले वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्या करना है, बस लाइन बाय लाइन क्या करते जाना, इस इक्वेशन जो दिया हुआ है उसे पुट कर देना है, बस इसमें यही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, जब भी इक्वल साइन देता है तो क्या मतलब है इसका, कि वो नंबर आपको पुट करना है। ठीक है, मतलब कि एन की वैल्यू जो है ये जिस तरफ होता है उसका मतलब वो बड़े की तरफ है। ठीक है, तो ये एन इसमें बड़ा है। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वन से बड़ी है, ये जिधर होगा उसका मतलब होता है कि वो बड़ा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू बड़ा है वन से। ठीक है, और इधर ये एन की तरफ है, छोटा है मतलब, तो एन की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 के इक्वल है। ठीक है, देखिए 1 लेस देन इक्वल टू मतलब इस नंबर को भी हम लेते हैं। ठीक है, एन लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कह रहा है कि एन की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, और 1 भी है, इक्वल मतलब 1 भी है। ठीक है, एन की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है और 1 भी है, और 5 से छोटी है और 5 भी है। 5 से छोटी है, ठीक है, 5 की तरह बड़ा वाला मुंह है, मतलब 5 से छोटी है, एन की वैल्यू जो है 5 से छोटा है और 5 भी है। इक्वल का मतलब होता है उस नंबर को आप ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एन की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 1 भी है, तो 1 भी है, 2 3 4 और 5 से छोटी और 5 भी। इक्वल मतलब अगर इक्वल यहाँ पे नहीं होता स्टूडेंट तो आप बस 4 तक लिखते। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो आप क्या करते, 2 से स्टार्ट करते। ठीक है, लेकिन जब भी इक्वल का मतलब ये होता है उस नंबर को आपको लेना होता है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब बस क्या करना है, 1 2 3 4 5 लाइन वाले आपको क्या करना है, इस वैल्यू इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। ठीक है, पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 2 n माइनस 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाय 2, n की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 1, 1 बाय 2 वन जो 2 माइनस 1, 1 बाय 2 में से 1 गया 1, क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 एन माइनस 1, तो 1 बाय 2 एन की जगह अब एन इज इक्वल टू 3 पुट किए, तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 एन माइनस 1 इक्वेशन इसमें दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 हम पुट करेंगे, 3 टू 6 माइनस 1। ठीक है, तो 1 बाय 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्या 1 बाय 5, 1 बाय 5 कैंसिल नहीं होता है, तो ये हमारा 1 बाय 5 एन इज इक्वल टू 3 भी 1 बाय 5 हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं एन इज इक्वल टू 4, तो एन इज इक्वल टू 4 इक्वेशन क्या था, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 एन माइनस 1, 1 बाय 2 एन, एन की जगह 4 माइनस 1, 1 बाय 4 टू 8 माइनस 1, 1 बाय 8 में से 1 गया 7, 1 बाय 7, 1 बाय 7 कैंसिल होता नहीं है, तो एन इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 एन माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 5 माइनस 1, एन की जगह 5 पुट करेंगे, 1 बाय 5 टू 10 माइनस 1, 1 बाय 10 1 गया 9, 1 बाय 9 ये हमारा आंसर। तो हमारा f का h की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 ये हमारा आंसर। सो स्टूडेंट ये कौन सा इक्वेशन, g वाला, तो आप यहाँ पे g लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जी वाला। ठीक है, तो जी का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया हो। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।